हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेप ऑफ योर लाइफ तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंड्स ये लाए थे जो हम प्लांट्स ये एक हफ्ते के बाद मैंने बाहर निकालने जा रही हूँ तो बाहर अरे देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो मिट्टी और चीटियाँ आ रही हैं तो इसलिए मैंने इन सब प्लांट्स को बाहर ही निकाल दिया यहाँ से थोड़ी सफाई करने लग गई तो फ्रेंड्स एक जो बड़ा वाला प्लांट्स है उसका मुझे नाम नहीं पता है उसका एक जो पत्ता है उसका येलो हो गया है कुंज ने उसे थोड़ा छेड़ दिया था तो कोई बात नहीं देखते हैं थोड़ी केयर करते हैं ये पत्ता मैं निकाल दूंगी ये येलो हो चुका है पत्ता और प्लांट्स मैंने सारे बाहर रख दिए हैं उसके बाद अब रुचिका सुबह सुबह उठी है तो मैं उसे बनाना शेक बना के दे रही हूँ बनाना शेक बना के देने के पीछे एक रीज़न है क्योंकि रुचिका ने लिया है साइक्लोन में पार्टिसिपेट किया है तो उसे थोड़ा मैं बोल रही हूँ अच्छा खाना पीना खाओ तो ही तुम साइकिल चला पाओगे चार किलोमीटर की रेस में उसने पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ कुंज की टी शर्ट उल्टी है मैं उसे कह रही हूँ कुंज आपने टी शर्ट उल्टी डाली है तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में तो ये जा चुके हैं और बच्चे सो रहे थे तो बिस्तर नहीं उठाया था तो बिस्तर उठा लिया है बेडशीट सही कर दी है यहाँ मैं कुंज की टी शर्ट को सीधा कर रही हूँ क्योंकि उसने उल्टी टी शर्ट डाल रखी है अपने आप डालेंगे तो बच्चे ऐसे ही करेंगे तो फ्रेंड्स अब मैं रुचिका करूँ को सही कर रही हूँ फ्रेंड्स वो देखिए ड्रम जो मैंने कल गेहूं के लिए लाया था तो उसमें गेहूं 100 किलो तो नहीं आया है फिर भी 70 किलो तक आ गया उसके बाद मुझे नहीं मालूम था मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं तो मेरा काम सारा पड़ा था और ये अचानक से मेरी फ्रेंड्स ने घर में धावा बोल दिया चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है बिना बताए आ गए तो सारी फ्रेंड्स को बुला लिया दिया छः में से दो फ्रेंड्स नहीं आई हैं और ये दो आ चुकी हैं इन्होंने मेहंदी लगाई थी फिर भी आ गए क्योंकि ज़बरदस्ती बुला लिया गया तो उसके बाद हम चारों फ्रेंड्स मिलकर थोड़ी बहुत बातें करने लगे और उसके बाद लग गई हमें भूख तो हमने सोचा बाहर से कुछ मंगाते हैं तो बाहर से हमने कुछ नहीं मंगाया तो हमने बनाई इपी से नूडल्स शिमला मिर्च और प्याज डाल के जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी और उसके बाद कुछ खाना पीना खाया कुछ बातें करी किचन में हम सब आकर बैठ गए बहुत सारी बातें करी बहुत सारी बातें जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत बातें करते हैं तो ये नूडल्स बनाने के लिए हम दो दो जने लगे कभी वो हाथ कभी वो बना रहे हैं कभी मैं बना रही हूँ तो यहाँ हम कर रहे हैं नूडल्स पार्टी बच्चे भी आज घर पर थे क्योंकि उनका कल एग्जाम था तो इसीलिए उन्हें छुट्टी मिली थी अब वो सब लोग चले गए हैं एक घंटे के बाद और बच्चों को फिर ना कुछ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए तो फिर अब इनको मैं कुछ खाने को देती हूँ उसके बाद मैंने की किचन की सफ़ाई किचन की सफ़ाई करते करते मुझे याद आया कि कल वेजिटेबल चॉपर लेके जो आए थे हम कटिंग वाला उसकी करनी है ऑयलिंग तो मम्मी बोलती है जो मेरी मम्मा है वो बोलती हैं कि लकड़ी के किसी भी जो चीज़ होती है उसे ऑयलिंग करनी चाहिए उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए तो इसलिए मैंने ऑयलिंग कर दी और किचन साफ़ करने के बाद हम फिर से बाहर निकल लिए क्योंकि सबको फिर से मिलना था आ रहे हैं अपने पहले वाले घर और जाते हुए रास्ते में हमने देखा कि गणेश विसर्जन की तैयारी हो रही है तो ये हमने देखने के लिए खड़े हो गए तो फ्रेंड्स ये जो हमारे जिस घर में हम जा रहे हैं यहाँ हम पहले रेंट पे रहते थे तो वहाँ भी मेरी एक फ्रेंड रहती है हम उसके घर जा रहे हैं ये देखिए ये हमारा पुराना वाला घर हमने यहाँ दो साल बिताए हैं और फिर उसके बाद शाम को हम फिर रुचिका की साइकिल लेने के लिए चले गए मैंने आपको बताया है कि वो साइकिल उनमें पार्टिसिपेट करी तो वो साइकिल पुरानी वाली उसकी बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे लेनी थी नई साइकिल तो हम वो लेने के लिए आ गए तो आज का पूरा दिन बहुत बिजी रहा तो ये ले ली हमने रुचिका की साइकिल तो यहाँ चल रहा है हमारा फोटो शूट ये साइकिल ली है रुचिका की हमने तेरह हजार की गियर वाली साइकिल ली है तो अब रुचिका इसी के साथ ही साइकिलिंग के लिए जाएगी रेस में तो एक तारीख को है वो रेस तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी वो रेस में चार हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो ये हमने फायर लिया बॉक्स शॉप से ली है होशियारपुर से इनकी शॉप बहुत अच्छी है इनके रिजनेबल प्राइस हैं फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय